हेलो फ्रेंड्स, आई आपको आई टी चैनल में स्वागत है। आई एम क्लास टेंथ का चैप्टर 10 सर्कल करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं सर्कल क्या होता है। सर्कल कहते हैं, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। यू मैंने आप छोटी छोटी आँख खींची हैं, वो एक पॉइंट की तरफ समझ सकते हैं। इज आप ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन फिगर, इन अ प्लेन विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल जानते हैं सर क्या होता है कि सर्कल इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। मतलब वो प्लेन है और वो किसी का एक कलेक्शन है। अगर हम इसका सेंटर यहाँ मानते हैं तो जो इसकी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब अगर 2 है तो इस सभी में यहाँ 2 ही 2 रहेगी, कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। और फिक्स्ड पॉइंट क्या ही है हमारा, कि इसे हम सर्कल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जितने भी इसको पॉइंट हैं, एक सेंट जो भी इसका फिक्स्ड पॉइंट है और उससे हम कोई लाइन खींचेंगे तो वो लाइन हमेशा एग्जैक्ट होगी, उसमें कुछ नहीं होगा। अब हम देखते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट क्या होता है कि एक कोई एक सर्कल ले लीजिए, कि किसी सर्कल पर अगर आप कैसे भी टेंजेंट डालेंगे वो एक पॉइंट पर, मतलब कोई भी पॉइंट ले लीजिए उस पर एक ही टेंजेंट जाएगी। जैसे कि अगर मैं ऐसे टेंजेंट डालता हूँ इस नाम का ए, जो टच करता है उसे नाम दे देते हैं बी सी, इस पर सिर्फ एक जाएगी। अब आप कहोगे ये चली जाए, नहीं तो ये क्या है, थोड़ा सा वो होगा, डेविएट करेगी, पर हमें ये मालूम है कि एक टेंजेंट एक सर्कल पर गिरेगी। तो इसकी वो है कि थोड़ा अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ओनली को थोड़ा ध्यान रखना, ओनली वन पॉइंट। कि टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एक सर्कल की लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करती है, मतलब सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पर। अब टेंजेंट क्या है, अब एक और वो है हमारा कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। कि सर्कल पर एक ही टेंजेंट हम डाल सकते हैं और उससे अधिक नहीं डाल सकते, पर सिर्फ एक पॉइंट पर। अगर हम डालना चाहें तो हम यहाँ से भी डाल सकते हैं, यहाँ से भी डाल सकते हैं। अब क्या है, एक सेकंड है इसका ही टेंजेंट का थोड़ा दूसरा रूप, ऐसा समझ सकते हैं सेकंड क्या होता है कि अगर कोई एक सर्कल है, अगर वो टेंजेंट के टेंजेंट तो किसी पॉइंट पर डलता है, वो सेकंड किसी टू पॉइंट्स को, सर्कल के किसी टू पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा। मतलब हम यहाँ ए और बी, ये टू पॉइंट्स हो गए उसके, तो हम इसे सेकंड का नाम दे देते हैं। हम इसे हम जो टेंजेंट का पॉइंट होता है उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट करते हैं। जो बी वाला पॉइंट है हेयर, बी इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये ध्यान रखेंगे हम। अगला ये थ्योरम है एक कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि मतलब कि अगर कोई एक रेडियस किसी पॉइंट जो सेंटर है सर्कल का, अगर उस पर रेडियस डाली जाए तो वो परपेंडिकुलर होती है,
मेरी वीडियो मैं डाल चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे देख लीजिए। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं, एक्सरसाइज 10.1। पहला क्वेश्चन है कि इसमें फिंगर ब्लैंक्स है, तो उसमें क्या आएगा कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज इंटरसेक्ट डैश पॉइंट। तो टेंजेंट क्या हमेशा एक ही पॉइंट पर डलती है, तो यहाँ वन आएगा। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी टेंजेंट टू अ सर्कल हैव, अगर किसी एक सर्कल पर हम टेंजेंट डालेंगे तो कितनी हो सकती हैं, वो हम कहेंगे वो इन्फिनिटी हो सकती है। मतलब हम अगर ये सर्कल है हम यहाँ से डाल सकते हैं, यहाँ से डाल सकते हैं, यहाँ से भी, तो वो इन्फिनिटी कितनी भी नहीं है। अब ये सेकेंड का फर्स्ट था ये वाला, और सेकेंड का दूसरा है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स। वह लाइन जो एक सर्कल को टू पॉइंट पर काटती है उसे हम सेकेंड का नाम दे देते हैं, थर्ड। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, अगर एक सर्कल पर सिर्फ दो ही पैरेलल ऐसी होंगी जो पैरेलल का काम करेंगी, जैसे कि हम देखते हैं एक यहाँ टेंजेंट है और एक यहाँ टेंजेंट है, अगर हम यहाँ डालने की कोशिश करेंगे तो ये इसके पैरेलल नहीं होगा, इसके पैरेलल सामने वाली होगी, इस वजह से ये हो गया टेंजेंट पर सिर्फ दो ही ऐसी लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी एक समान। द कॉमन पॉइंट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड, जो कॉमन पॉइंट होता है मतलब यहाँ बी कॉमन पॉइंट है, उसे हमने क्या कहा था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन है थ्री। इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें लिखा हुआ है अ टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट है पी क्यू। अब ये देखेंगे कि यहाँ पी कौन सा है और क्यू कौन सा है, तो यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी बुक में कि एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था, हम लिखेंगे अब एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, मतलब वो सर्कल के पॉइंट पर रेडियस मीट फाइव, इसकी जो रेडियस है उसे फाइव कर लीजिए मेंशन, थ्रू द लाइन थ्रू द सेंटर ओ, सेंटर ओ है, एट पॉइंट क्यू, अब ओ है यहाँ पी हाँ तो वो एट ए पॉइंट क्यू, तो क्यू आपको यहाँ मेंशन कर दीजिए, तो यहाँ इसको ज्वाइन कर दीजिए, सॉरी तो गलत हो गया, हाँ यहाँ ओ क्यू वहाँ 12 सेंटीमीटर है और लेंथ पी क्यू पूछी हमसे पी क्यू। तो ये देखिए हमने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम है मेरी, तो उसमें आप देखेंगे ये जो सर्कल के सेंटर से किसी रेडियस पर किसी टेंजेंट पे हम वो डालते हैं, अगर इसको एक्शन करेंगे वो टेंजेंट ही बन जाएगी, तो वो क्या परपेंडिकुलर काम करती है, तो ये आप परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें आप पाइथागोरस समझ कर सकते हैं कि ओ क्यू स्क्वायर ये हमारा ये हो गया ओ क्यू स्क्वायर टेंजेंट काम कर रही है, ओ क्यू स्क्वायर हमारा टेंजेंट काम कर रहा है, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ओ क्यू हमारा कौन सा 12 का, 12 का आप स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल्स टू ओ पी क्या है 5, 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये 144 इसका स्क्वायर होता है, ये 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर, अब पी क्यू स्क्वायर क्या होगा इक्वल्स टू 144 माइनस 25, जब इसे आप माइनस करेंगे तो 14 और माइनस 5 19, 3 टू 1 1, तो पी क्यू इक्वल्स टू रूट 119 आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिर बता देता हूँ कि ये आ ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल, एक आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें कि टू लाइंस पैरेलल होनी चाहिए और उन लाइंस की खासियत होनी चाहिए, इसको आप वो दे दीजिए पॉइंट को कि सर टू आर गिवन लाइन सच डेट वन टेंजेंट, उसमें एक टेंजेंट हो जाइए, तो आप टेंजेंट यहाँ डाल सकते हैं यहाँ या कहीं भी, तो मैं ऊपर डाल लेता हूँ, इसको नाम दे देते हैं ए, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है उससे बी और सी, एंड अदर सेकेंड टू अ सर्कल, अगर वो हमें पहला चाहिए तो सेकेंड होना चाहिए सर्कल के, तो आप इसे सेकेंड यहाँ से डाल सकते हैं, हम यहाँ से डाल लेते हैं ये लाइन पैरेलल, आप उसे ड्रॉ करेंगे इस स्केल से
अब यहाँ डी और ई नाम दे दीजिए। तो ये पहला आगे अपना आपस में हमारे एक्सरसाइज 10.1 थी। आपको देखना, धन्यवाद। अगर आपने वहाँ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।